Hello students, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are going to our new topic. In this video, we are learn about some types of poverty and effect of poverty. Let's get started our new topic in this video. First of all, I introducing some basic information regarding this video. स्टैंडर्ड टेंथ का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर सेवनटीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट मीन्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का आज हम पार्ट फाइव सीखेंगे आज हम पार्ट फाइव में जानेंगे कि कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था और यहाँ पे आपको मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी दिखाई है जो सबसे बड़ी जो कारण है पॉवर्टी का वो ये तीन चीज़ें हैं देखते हैं वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल करप्शन करप्शन आपको पता ही होगा जो भ्रष्टाचार होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ता है और इस भ्रष्टाचार की वजह से अमीर के जो अमीर लोग होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं वो रिच पर्सन रिच हो होते जाते हैं और जो पुअर पर्सन होते हैं वो पुअर बनते जाते हैं नेक्स्ट बात कर रहे हैं ब्लैक मनी अब ब्लैक मनी के वजह से लोग क्या करते हैं कि जो पैसे टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो लोग क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं छुपा रहे हैं और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स ना मिलने की वजह से चीज़ों की कीमत को बढ़ाना पड़ता है और इसकी इफ़ेक्ट मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल को पड़ता है थर्ड पॉइंट है इलिट्रेसी अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम्स होते हैं जो स्कीम्स होती हैं उनकी जानकारी नहीं होती या तो उनको किसी न किसी पर्सन से ठग लिया जाता है इन लिटरेसी के कारण भी जो गरीब होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वॉट पीपल थिंक आर द काजिज़ ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी के बारे में लोगों को ये क्या मान्यता है या तो कॉजिस क्या है इफ़ेक्ट्स तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्यू ऑफ दीज इंसाइट्स यहाँ पे आपको कुछ दिख रही है अंदर आपको यहाँ पे कुछ इनसाइट्स के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है क्या नहीं है तो पहले हम बात करते हैं यहाँ से अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला है इिडिकेटिंग पोवर्टी इज़ अ मैटर ऑफ जस्टिस नो चैरिटी अब गरीबी दूर करना अब इरीडिगे इरी इरेडिकेटिंग पोवर्टी दैट मीन्स गरीबी दूर करने की बात हो रही है गरीबी दूर करना ये न्याय की बात है परोपकार की नहीं है इट नो इट नॉट अ चैरिटी ये कोई चैरिटी नहीं है स्टूडेंट ये न्याय है जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी में से दूर करना है न ही कि उनके ऊपर एहसान करना है सेकेंड हम बात करते हैं पोवर्टी रेट इज़ इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एक्सेट्रा अब भारत जैसे विकासशील देश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं या तो जो यहाँ पे गरीबी का जो दर है जो पोवर्टी की रेट है वो कैसी है बढ़ रही है थर्ड पॉइंट की बात करते हैं पोवर्टी इज रिड्यूसिंग फास्ट इन दिस मिलियनम अब यहाँ पे इस यहाँ पर आप देख सकते हो इस सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेजी में ऐसी सिचुएशन के अंदर गरीबी रेखा में जो गरीबी रेखा के अंदर जीने वाले लोग हैं वो कैसे हैं गरीबी रेखा में जीने वाले लोगों की आबादी कैसी है फास्ट एंड फ्रीअस है यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्सिंग फास्ट इज इन द मिलियन मतलब गरीबी रेखा से हम उनको क्या नहीं कर सकते इस सेंचुरी के अंदर इस तेजी के अंदर गरीबी रेखा में जो जी रहे व्यक्ति हैं उनको आप इन गरीब जो रेखा होती जो लाइन होती है उसमें से हम उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो कैसी है धीमी है यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की फोर्थ पॉइंट की कि कैन नॉट इेडिकेट पोवर्टी कम्प्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड अब दुनिया से गरीबी पूरी तरह से हम मिटा नहीं सकते ये फैक्ट आपको दिया है कि गरीबी को आप मिटा नहीं सकते नेक्स्ट बात करते हैं पोवर्टी एंड करप्शन गोज हैंड इन हैंड अब गरीबी जो है और जो भ्रष्टाचार है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या हो रहा है एक हाथ से जाता हुआ दिख रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे करप्शन है उसकी वजह से ही पोवर्टी को एंकरेजमेंट मिलता है गरीबी को एंकरेज करने वाला एक मेन कोज है कोज इसमें गिना जाता है तो वो करप्शन है फिर बात की थी इलिट्रेसी इन सोसाइटी समाज में इलिट्रेसी मतलब कि समाज के लोगों में जागरूकता या तो नई सोच नहीं है या तो ये पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद ये पॉवर्टी हमारे देश के अंदर से दूर नहीं हो रहा है नेक्स्ट है कॉरपोरेट ग्रीड कॉरपोरेट ग्रीड डेट मीन्स जो कॉरपोरेट सेक्शन के जो लोग होते हैं ग्रीड मतलब लालच होता है ये लोगों की लालच की वजह से भी ये लोग क्या करते हैं गरीब लोगों को ठग लेते हैं और इससे भी वो जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी गरीबाई में से आगे उभर कर निकल नहीं पाते लास्ट पॉइंट है क्राइम अब क्राइम की वजह से डैट मीन्स अपराध की वजह से भी लोग क्या हो रहे हैं गरीब हैं गरीब होने की वजह से या तो गरीबी की रीज़न से ये लोग अपराध करते क्राइम करते हैं और इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट uh, पॉइंट में कि वॉट आर द इफेक्टिव वे टू इरीगेट पोवर्टी इरीगेट दैट से दूर करने की बात है गरीबी दूर किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव वे टू इरीडिगेट पोवर्टी गरीबी दूर करने के कुछ ऐसे इफेक्टिव वेज यहाँ पे मैंने बताए हैं हम यहाँ पे जानते हैं वन बाई वन इरीगेट करप्शन अब करप्शन को अगर दूर करेंगे तो पोवर्टी क्या होगी ऑटोमेटिक दूर होगी सेकेंड पॉइंट है वी पीपल वी एंड पीपल कैन कॉपरेट टू इरीडिगेट पोवर्टी अगर हम लोग इस गरीबी दूर करने में अगर लोगों का साथ दे तो हो सकता है कि गरीबी दूर हो सके थर्ड पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर क्रिटिकल इन इरीडिगेशन पोवर्टी अब इसमें जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी बहुत ज़्यादा क्या है Uh, यहाँ पे निजी क्षेत्र दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्रिटिकल इरिगेट पॉवर्टी दैट मीन्स महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन चुका है इस गरीबी दूर करने में ये क्या कर रहा है आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे ये यह है कि उसको दखल गिरी जो प्राइवेट सेक्टर है वो गरीबी दूर करने में क्या कर रहा है दखल गिरी कर रहा है अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही लोग का जो गरीब हैं उनका शोषण होता है अब इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर क्या करी दखल गिरी करी है और उनको पॉवर्टी में से बाहर नहीं आने दे रही नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट प्रिजर्व ग्रामीण बैंक अब जो ग्रामीण बैंक की बात हो रही है उनको क्या करना है प्रिजर्व करना है उनको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है उनको सेफ रखना है कि जिसकी वजह से गांव के लोग जो गरीब हैं जिनको सेल्फ डिपेंड अगर कोई भी वर्क करना है तो उस वर्क के लिए उनको इजीली उस बैंक से छोटे मोटी अमाउंट मिल सके नेक्स्ट इरीगेट द कॉरपोरेट ग्रीड जो कॉरपोरेट ग्रीड दैट मीन जो कॉरपोरेट सेक्शन के जो लालच है उसको क्या करना है ख़त्म करना है नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन कैन बी इरीगेट पोवर्टी अगर गरीबी को दूर करना है तो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन एजुकेशन से लोगों की सोच को क्या कर सकते हैं हम न्यू ला सकते हैं बदलाव कर सकते हैं नई उम्मीद ला सकते हैं जिसकी वजह से जो लोग गरीब हैं उनको अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो अच्छे मुकाम पर पहुँचे और अच्छी जॉब मिलने से उनकी वो गरीबी है वो दूर हो सके नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइड फ्री एजुकेशन अब इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है तो साथ साथ में एजुकेशन अगर फ्री मिले तो हर एक गरीब इंसान जो जिसके बच्चे पढ़ नहीं सकते जिनके पास इतने पैसे नहीं होते वो फ्री में अच्छी सी एजुकेशन लेकर एक अच्छा जीवन जी सकें नेक्स्ट बात करते हैं इरिडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट अब एम अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है आपको दूर करना है अनएम्प्लॉयमेंट अगर दूर होगी तो लोगों को नौकरी मिलेगी जॉब मिलेगी और उनका अच्छा और बेटर फ्यूचर होगा नेक्स्ट है क्रिएटर फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दो स्टूडेंट की फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के थ्रू जो भी फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स होते हैं उस पर कोई भी छेड़खानी ना हो या कोई भी मिलावट ना हो यहाँ पे अब फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है थर्ड है बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अब हमको यहाँ पे जो कृषि उत्पादन है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसका क्या करना है बूस्ट करना है बूस्ट मतलब इफेक्टिव करना है बढ़ाना है एंकरेज करना है कि जिसकी वजह से जो लोग एग्रीकल्चर से बेरोजगार हो रहे थे उन लोगों के लिए वो बेरोज़गारी नहीं होगी अगर एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक एंड टूल्स का यूज़ होगा तो इफेक्टिवली अच्छे से ट्वेल्व मंथ पूरे बारह महीने अच्छे से काम करके पैसे कमा सकेंगे नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली तो लोगों को क्या मिलेगा रोज़गार मिलेगा जॉब मिलेगा काम मिलेगा और जिसकी वजह से वो अच्छे से काम करेंगे और अपना घर चलाएंगे और गरीबी से थोड़ा दूर निकलेंगे नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सिस जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या करना है हमको मैनेजमेंट करना है ऐसा यूज करना है इफेक्टिव यूज करना है कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी उसका क्या हो बेनिफिट हो नेक्स्ट बात करते वुमन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण करना है महिलाओं जो वुमन से उनको भी सपोर्ट करना है उनको भी आगे बढ़ाना है हमारे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट में उनको भी एंकरेज करना है नेक्स्ट बात करते हैं स्पेंड ऑन पोवर्टी इरीडिगेशन देन एंटरटेनमेंट अब जो गरीबी दूर करने पर जो खर्च होता है उसकी बात हो रही है कि पोवर्टी जो इरिगेशन गरीबी दूर करना है ना उसको क्या करना है स्पैन ऑन पोवर्टी इरिगेशन देन एंटरटेनमेंट गरीबी दूर करने पर खर्च करता है हमारा जो देश है उसकी बात करें उसको अच्छे से खर्च करना है इफ़ेक्टिव करना है कि हर एक इंसान तक वो जो पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनके ही हाथ तक जाए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया जाए मोदी जी का कि अगर एग्ज़ाम्पल हो कि मोदी जी कभी भी किसी भी गरीब के हाथ में पैसे नहीं देते उन तक अगर वो जो धनराशि होती है उनको पहुँचाने के लिए वो हर एक इंसान को बोलते हैं कि अपना बैंक अकाउंट खोलें बैंक अकाउंट खुलते ही गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है गरीबों के लिए किसानों के लिए उन लोगों के डायरेक्ट उनके खाते में उनके अकाउंट में पैसे प्रोवाइड हो कि जिसकी वजह से जो मिडल मैन होता है कि जो बीच से ही पैसे खा लेता है वो नहीं होगा और गवर्नमेंट से जो पैसा जिसके लिए प्रोवाइड हो रहा है उसके थ्रू तो सीधे सीधे उसको मिले नेक्स्ट बात करते हैं स्पैंड ऑन इरिगेशन और पोवर्टी दैन ऑन वॉर ये सबसे बड़ी बात है कि युद्ध की तुलना में अगर गरीबी दूर पर खर्च अगर गवर्नमेंट करेगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा युद्ध के जो टूल्स होते हैं वेपन्स होते हैं उसके उसके ऊपर अगर खर्च करने के बजाय अगर गरीबी दूर करने पर अगर ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करेगी तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर जो गरीबी रेखा में जीने वाले जो लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो इन फ्यूचर कम हो सकता है ये हम नहीं बोल सकते कि पूरे गरीब जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए पर हाँ ये है कि गरीबी का जो लेवल है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कम से कम कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो